हेलो नमस्कार, महतो ज्ञान टेक्निकल चैनल 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप भी एक प्रोफेशनल थंबनेल और एट्रैक्टिव थंबनेल अपने YouTube चैनल के वीडियो के लिए कैसे बना सकते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मैंने अपने जो YouTube वीडियो के ऊपर जो थंबनेल लगा रखे हैं, मैं इसी तरह से बनाना सिखाऊंगा जिस तरह से मैं अपने थंबनेल को बनाता हूँ। तो क्या क्या प्रोसेस करता हूँ मैं अपने थंबनेल को बनाने के लिए, कितना टाइम देता हूँ और किस सॉफ्टवेयर से बनाता हूँ, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने थंबनेल को बनाने के लिए मैं फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करता हूँ। तो चलिए फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, अपने यूट्यूबर दोस्तों के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देख लेते हैं कि मैं अपना थंबनेल किस तरह से बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से भी न्यू पेज को ओपन कर सकते हैं या फिर मैं कंट्रोल एन दबा करके न्यू पेज ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं विड्थ और हाइट का डायमेंशन डालता हूँ 1280x720। यहाँ पे जो विड्थ और हाइट का जो डायमेंशन रहता है वो पिक्सल में मैं रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं कर देता हूँ वाइट। उसके बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। तो ये जो है ये 1280x720 पिक्सल का जो है पेज ओपन हो गया, इसी रेशियो में थंबनेल बनता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि एक जो है स्क्वायर बॉक्स को लेता हूँ, रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ से इसको पूरे फुल पे ड्रॉ कर देते हैं, कोई सा भी कलर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ साइड में लेयर का ऑप्शन आता है। अगर यहाँ पे आपका लेयर का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे विंडो में जाना है, और विंडो में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे लेयर लिख कर आ रहा है, यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो लेयर है। फोटोशॉप में जब भी काम करें तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है लेयर का। जिस लेयर को आप सिलेक्ट करके रखेंगे उसी लेयर पर काम होगा। तो जैसे मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, रेड वाले को, और यहाँ राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इस तरह से ऑप्शन खुल के आ जाएगा, इसमें ब्लेंडिंग पे जाएंगे और यहाँ से मैं ग्रेडियंट ओवर ले लेता हूँ। ग्रेडियंट ओवर लेने के बाद जो है मैं इसको जो ब्लैक और वाइट वाला है इस पोर्शन को रखता हूँ, और यहाँ से जो है एंगल जो है मैं इसको यहाँ से रोटेट करके लगभग 175 के समथिंग इसको कर देता हूँ। इसको मैं फुल रखता हूँ यहाँ से स्केल को, और मैं अपने किसी थंबनेल में जो है यहाँ से जो है कलर को चेंज करते रहता हूँ बारी बारी से। कभी मैं यहाँ से रेड इस्तेमाल कर लेता हूँ या कभी ब्लू को इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो चलिए मैं ब्लैक वाला बता रहा हूँ, यहाँ से मैं ब्लैक रखूँगा और यहाँ मैं प्योर वाइट नहीं रखता हूँ, हल्का सा मैं इसको ग्रे करता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं हल्का सा ग्रे इस्तेमाल करता हूँ अपने जो थंबनेल होते हैं उसमें। तो चलिए हमारा जो है बैकग्राउंड इस तरह से बन के तैयार हो गया है। ठीक, आप यहाँ ब्लैक की जगह आप कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन आप एक ही कलर कोड को इस्तेमाल कीजिएगा, थोड़ा एक ही तरह के थंबनेल बनाएंगे तो जो अच्छा लगता है चैनल के लिए और जो है आपके व्यूअर जो हैं वो आपके थंबनेल से भी एक पहचान बन जाती है आपके चैनल की। तो आप जो है थंबनेल एक ही तरह का बनाइए अपने चैनल के लिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए यहाँ से हम ब्लैक ही ले लेते हैं, इसमें आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ख़त्म करते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने फ़ोटो को यहाँ जो है लेफ़्ट साइड में लगाता हूँ। तो मैं अपना फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने अपने फ़ोटो को जो है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ में बना करके सेव कर रखा है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ में बना करके फ़ोटो को कैसे बनाते हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आई बटन पे ऊपर शो कर रहा होगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाले इमेज को कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा इमेज ओपन हो गया। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ मूव टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जाएंगे अपने बैकग्राउंड वाले पेज पे। ठीक है, यह हमारा जो है इमेज यहाँ पे आ गया। चलिए इसको हम सही से सेट कर देते हैं सही रेशियो में। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, यह हमारा इमेज जो है सेट हो गया। इसको मैं हल्का सा जो है थोड़ा सा एडिटिंग करूंगा, इसको कर्व को जो है हल्का सा ऊपर करूंगा। ठीक, यहाँ से हल्का सा डाउन। मैं वही प्रोसेस बता रहा हूँ जो मैं अपने थंबनेल बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जैसे हम लिखते हैं मेक, यहाँ से हमने मेक लिखा।
इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे लाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट के स्टाइल होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर फॉन्ट अपने जो थंबनेल बनाने के लिए, उसको मैं GAU गॉडी नाम का एक फॉन्ट है, गॉडगी, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो इस फॉन्ट को मैं लिख लेता हूँ पूरे कैपिटल में, इसको हम कर देंगे बोल्ड, और मैं इसको कर देता हूँ वाइट यहाँ से। इसको हल्का सा इसको रिसाइज करेंगे, यहाँ से एडजस्ट करेंगे इसको सही से। आप थंबनेल पे कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए थंबनेल को बनाने में। मैं अपने थंबनेल को बनाने में ऑलमोस्ट लगभग हाफ एन आवर या लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास मैं टाइम देता हूँ। और थंबनेल बनाने के बाद आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि वो अट्रैक्टिव लग रहा है या नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो आप उसमें चेंजिंग करके देखिए कि कैसे अट्रैक्टिव वो जो है लग सकता है, ताकि आपके वीडियो पे जो व्यूअर क्लिक करे। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेक लिखा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं HD। ठीक है, और इसको मैं इसको हिसाब से आप इसको आगे पीछे यहाँ पे बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बहुत बार क्या करता हूँ कि जैसे प्रोफेशनल मैंने यहाँ पे लिखा, इसके नीचे मैं जो है स्क्वायर का इस्तेमाल, ये जो रेक्टेंगल का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे नीचे थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, किसी चीज़ को हाईलाइट करना होता है तो इस तरह से मैं उसको रेक्टेंगल का यहाँ से इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ लेयर पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लेयर, जैसे प्रोफेशनल अगर जो यहाँ पर नीचे है, मान लीजिए इस तरह से रहता मैंने लेयर ड्रॉ किया, और अगर जो प्रोफेशनल शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लेयर को आप देख लें कि वो जो लेयर है उस ऑब्जेक्ट से नीचे तो नहीं है वो, तो इसको क्या करेंगे, इसको रेक्टेंगल से जो है ऊपर कर देंगे, ठीक है, तो जो है ऑटोमेटिक ऊपर शो करने लग जाएगा। तो जैसे हमने लिखा मेक प्रोफेशनल, अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे थंबनेल, ठीक ठीक है। तो ये हमारा जो है ये थंबनेल बन के तैयार हो गया है। थंबनेल में जितना कम से कम डाटा लिखें और काफ़ी सटीक डाटा लिखें ताकि वो व्यूअर को अट्रैक्ट करें, ओके। यहाँ आप नीचे लिख सकते हैं इन फोटोशॉप, या अगर मोबाइल से बनाना सिखा रहे हैं तो आप इन मोबाइल यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे अपने सब बहुत सारे थंबनेल पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिंदी ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे मैं वही एक नीचे एक बॉक्स के यहाँ पे लेता हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ से टेक्स्ट लूँगा, उसके बाद फिर लिखूँगा टी। ये फॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा है, इस कारण से काफ़ी लैग करके चल रहा है, तो मैं फॉन्ट साइज़ को छोटा कर लेता हूँ, TUTORIAL, ठीक है। ट्यूटोरियल यहाँ लिखा गया, इसको मैं साइज़ को एडजस्ट कर देता हूँ, हिंदी को हिंदी में लिखने के लिए। जो मेरे बहुत सारे थंबनेल पे आपने देखा होगा, उसको मैं लिखने के लिए जो है मैं वेबसाइट से कहीं से या गूगल ट्रांसलेटर से जो है हिंदी में कन्वर्ट करके लाता हूँ और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देता हूँ। आप हिंदी में ही लिखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्ट करता है वो व्यूअर को, तो आप हिंदी में लिखिएगा। मैं अभी आपको समझाने के लिए बस इसको मैं हल्का सा बस यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं थंबनेल बनाने पे ऑलमोस्ट लगभग हाफ एन आवर का टाइम देता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हिंदी ट्यूटोरियल जो है यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे आप इसको सही से एडजस्ट करके बनाएं, थोड़ा जो है फॉन्ट साइज हर एक का सही से एडजस्ट करके रखें। एक्स्ट्रा जैसे बॉर्डर आ रहा है तो इसको यहाँ से छोटा कर दें। थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ध्यान रखिए, ध्यान से कीजिएगा तो जो आपका थंबनेल जो है काफ़ी परफेक्ट और काफ़ी ब्यूटीफुल बन सकता है। थोड़ा सा टाइम दे, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, और अगर आपसे रिलेटेड चैनल हैं उनको देखें कि वो थंबनेल किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, कर बना रखे हैं उन्होंने अपने थंबनेल, और आप भी एक अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। तो जैसे हमारा थंबनेल बन गया है तो मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से मैं JPEG फॉर्मेट को सिलेक्ट करके डेस्कटॉप यहाँ से डाल देते हैं थंबनेल, ठीक है। ये हमारा जो है थंबनेल जो है डेस्कटॉप पे सेव हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो है थंबनेल सेव हो गया।
तो बस दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो और आपको थोड़ा सा भी आपके लिए काम का हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।